नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे से होंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करना जरूर स्टार्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी फटाफट स्टार्ट कीजिए सभी बच्चे। जेई क्लासेस परिवार मेरठ में आपका दोबारा से बहुत बहुत अभिनंदन जी। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं सबसे पहले कि जेई क्लासेस परिवार आपके लिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके सारे प्रॉपर सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको ए टू जेड सारा आपको कवर करके दे रहा है। यूट्यूब पे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस पर सारे चैप्टर्स के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड मिलेंगे, सारी क्लासेस मिलेंगी मेरे साथ। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनसे मैं बता देना चाहता हूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था, बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा और डी बोगले इक्वेशन पढ़ी थी हमने, डी बोगले की समीकरण को हमने स्टडी कर लिया था। आज उससे आगे चलते हैं और परमाणु संरचना जो कि पहला चैप्टर है आपके अप्लाइड केमिस्ट्री का, उसको हम कवर कर रहे हैं। उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है, आज हमें इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि हम डी बोगली समीकरण के न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। और एक हम और थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी का नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग थ्योरी बोला जाता है, दो नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के एग्जाम में जरूर 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 आ जाती है। तो कभी भी बच्चे इसको मिस ना करें, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अभी तक आपने जो सिस्टम पढ़े हैं उसमें पढ़ा डाल्टन ने क्या समझाया, रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या बात की, बोरबरी ने क्या समझाया। आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया परमाणु के रिगार्डिंग। देखिए उन्होंने क्या कहा कि किसी गतिमान अति सूक्ष्म कण की स्थिति, अब वो कोई भी कण हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो न्यूट्रॉन है, कोई भी जो छोटा सा कण है उसके रिगार्डिंग वो बात कर रहा है। अभी उन्होंने ऐसा स्पेसिफाई नाम नहीं बताया कि ये प्रोटॉन के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है या न्यूट्रॉन के लिए, ये छोटे कणों पर बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी गतिमान अति सूक्ष्म कण, जो बहुत छोटा सा कण है, उसकी जो स्थिति है, मतलब जो उसकी पोजीशन है, कहां वो स्टैंड करता है, उसकी पोजीशन तथा उसका जो वेग है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है, किस गति से वो चल रहा है, दोनों का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत छोटा पार्टिकल है तो आप उसकी वेलोसिटी को नाप नहीं सकते, आप उसकी गति में चलने वाली चाल को नहीं नाप सकते और आप ना ही उसके स्थिति, उसकी पोजीशन को बता सकते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट कण है। अगर हम इनकी वैल्यूज माने तो जैसे माइनस में अगर हम ये कहने लगे कि किसी की वैल्यू 10^-34 है तो आप अंदाजा लगाइए कितना कम है। तो उनकी पोजीशन, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्पेस नहीं लेंगी और उनका जो गतिमान होने के बाद जो वेलोसिटी बनी है, जो वेग बना है, उनको डिस्क्राइब करना, उनका रिलेशनशिप निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, ऐसा हाइजेनबर्ग ने बताया, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी थी कि किसी गतिमान, मतलब जो मूव करने वाला कण है, अति सूक्ष्म कण, जो बहुत छोटा सा कण है, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति और उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, उन दोनों को आप एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल, है ना, इसको नहीं बताया जा सकता है, इस बात को आपको देना है। और इसे इन्होंने मैथमेटिकली एक समीकरण से समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको आपको राइट करना है जी। देखिए इन्होंने क्या बोला है, डेल्टा पी इंटू, मतलब यहां पर डेल्टा पी की वैल्यू मैं आपको भी बताने वाला हूं, इंटू डेल्टा एक्स एच अपॉन 4π। यहां पर अगर हम डेल्टा पी की बात करें तो डेल्टा पी यहां पर वेग के लिए बोला है, संवेग के लिए बोला है। कल हमने ड्री ब्रोगली की समीकरण जो पढ़ी थी उसमें आपने देखा था कि हमने वहां पर पी की वैल्यूज निकाली थी, है ना। संवेग बोलते हैं तो ये कह रहा है कि जो संवेग है और जो स्पेस वो कवर कर रहा है, मतलब जिस एरिया को वो कवर कर रहा है, उस एरिया के लिए यहां पर इन्होंने एक्स वर्ड यूज कर दिया, ये ग्रेटर लेस देन है देन कंपेयर टू द H अपॉन 4π, मतलब H अपॉन 4π के बराबर भी हो सकता है और उससे ज्यादा या
कम भी हो सकता है। इसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला, इसका मतलब ये निकल के आया कि जो डेल्टा पी की वैल्यू है और डेल्टा एक्स की वैल्यू है, इनका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जो हम गुणा करेंगे, इनका जो गुणनफल आएगा वो एच अपॉन फोर पाई के बराबर भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। इसका मतलब कोई पोजिशन क्लियर नहीं है कि एच अपॉन फोर पाई के बराबर है या उससे ज्यादा है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेशन सी बात हो गई, और इसको कॉम्प्लिकेशन का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप एक बात समझिए, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है। मैंने पहले ही थ्योरी में इस बात को एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल इतना छोटा है कि उसका स्पेस कितना कवर होगा, वो कितनी जगह को घेरेगा, उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे, है ना, बहुत कम वैल्यू आ रही है। और ऐसे ही उसका जो वेग है, उसकी वेलोसिटी है, उसको भी काउंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, पकड़ नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा कि अगर हम किसी बहुत छोटे पार्टिकल के केस में बात करें, तो उस केस में उसकी वैल्यू, जो उसका संवेग है और जो वो एरिया को कवर करता है, उसका अगर हम गुणनफल चेक करते हैं, तो उसका जो गुणनफल है वो h अपॉन 4 पाई के बराबर भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस बात को हाइजेनबर्ग ने बताया था, इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है, कि कुछ भी निश्चित नहीं है छोटे पार्टिकल के केस में। यह बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपको जरूर कर लेना है। तो यह बात ध्यान दीजिएगा, यह हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया है, और आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, मैं एक मिनट इसको रब कर देता हूं जल्दी से, मुझे फटाफट से थोड़ा सा टाइम दीजिए। उससे पहले अगर मैं आपसे थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जी जल्दी से फटाफट से देखते रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, टाइम बहुत कीमती है आपका भी। जी तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं हमारे चैनल की, तो प्लीज वीडियो को शेयर आउट किया कीजिए। जो बच्चे जिनको नीड है, जो आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसे हैं जो कोविड की वजह से कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं या प्रॉपर क्लास नहीं कर पा रहे हैं और सीरियस हैं अपनी स्टडी के लिए, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेई क्लासेस ने आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया है कि आपको यहीं पर सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे चैप्टर का ए से लेकर जेड तक सारा पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा, और जो भी आपके डाउट होंगे उन सभी डाउट को सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर आप पीडीएफ से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो चैनल पे स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको सारे पीडीएफ और सारे न्यूमेरिकल, जिन जिन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल भी हैं, उनके न्यूमेरिकल भी आपको पर्टिकुलर टाइम पे मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज हम सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि जो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था, जो हमने कल डी ब्रोगली की समीकरण पढ़ी थी, उस समीकरण से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, और इसके साथ साथ जैसे अभी हाइजेनबर्ग वाला पढ़ा है, इससे रिलेटेड भी एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं आपको रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि आज ही आप वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला याद कर लिया होगा, तो आज की क्लास के लिए मैं एक साइड में आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूं, ताकि आपके ब्रेन में चलता रहे, और जब आप इसके बाद कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे, तब मैं आपको नहीं लिख के दूंगा फॉर्मूला, तब आपको खुद अपनी मेहनत से लगाना है। तो देखिए, अभी हमने ये सीखा है कि अगर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स एच अपॉन फोर पाई, ये वाला फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको आपको मानना है कि ये इसके बराबर भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम इसको इसके बराबर मान लेंगे, क्योंकि अगर हम बड़ा मानेंगे तो फिर वैल्यूज ही नहीं निकल के आएंगी। तो न्यूमेरिकल करते हुए टाइम पे जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, इस फॉर्मूले को लगाना है और आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लिख देता हूं जल्दी से फटाफट, मैं भी एक बुक से आपको एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल की वैल्यू हमें बुक से ही कवर करनी पड़ेगी, आपको मिल जाएगा उस न्यूमेरिकल, उसको सोल्व खुद करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट देखते हैं। इन्होंने क्वेश्चन दिया कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, जी लिख देते हैं क्वेश्चन, लिख देते हैं आपके लिए, फिर इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन
की स्थिति में जी क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.01 नैनोमीटर यहां पर nm लिख दिया है, मैं ये आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, अनिश्चितता थी, मतलब इन्होंने कहा कि इसके अंदर इतनी अनिश्चितता थी, उसके वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि उसके वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए, मतलब आपको क्या करना है कि उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए मैं फर्स्ट टाइमली आपको बता दूं कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, देखो बच्चे चाहे आप फिजिक्स करें, चाहे मैथमेटिक्स करें, चाहे आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करें, एक बेसिक फंडा है। अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मैथमेटिकली टूल्स लगाकर किसी न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे, तो सबसे पहला आपके ब्रेन में एक बात जरूर स्ट्राइक करनी चाहिए। क्या है वो ब्रेन में स्ट्राइक करने वाली बात, कि सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ो, फिर क्वेश्चन को जोड़ो और फिर अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में दिया क्या है, इन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति की बात कर रहा है कि उसकी जो पोजीशन है उसमें जो वेरिएशन है, उसमें जो अनिश्चितता है वो कितनी है, 0.01 नैनोमीटर। तो जो चीज आपको प्रोवाइड है, जो चीज उन्होंने आपको दे रखी है, उसको आपको पहले लिख लेना है क्वेश्चन में। तो ये मुझे पता है, इसका मतलब पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स, अभी फॉर्मूले में पढ़ के आए थे, डेल्टा एक्स की वैल्यू इन्होंने हमें दे दी है 0.01 नैनोमीटर। ये बात समझ आती है जी, इन्होंने आपको इसकी वैल्यू दे दी। अब आपका काम क्या है, इस नैनोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, उसका रीजन है स्पेसिफिक मेरे पास। जब हम कभी भी न्यूमेरिकल करते हैं, चाहे हम फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, हमें तीन पद्धति का ध्यान देना है। हम जनरली एक पद्धति यूज करते हैं, इसको अलग से समझिए आप सारी बात को, हम जो कोर्स में हमारे सिलेबस है, हम लोग इंडिया में इस पद्धति को फॉलो करते हैं। कौन सी है वो पद्धति, एमकेएस पद्धति। अगर मैं एमकेएस पद्धति के रेस्पेक्ट में बात करूं तो एम का मतलब यहां मीटर से है, के का मतलब यहां पर किलोग्राम से है, और एस का मतलब यहां पर सेकंड से है। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मीटर किलोग्राम और इधर मैंने लिख दिया है सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी लेंथ को नापे, किसी लंबाई चौड़ाई मोटाई जो भी कुछ नापनी है उसे मीटर में नापना है। अगर कभी वजन की बात आ जाए तो किलोग्राम में नापना है, और अगर टाइम की बात आ जाए तो सेकंड में नापना है, मिनट में या घंटों में नहीं नापना है, जब तक कि वो क्वेश्चन में आपको देना। तो इन्होंने आपको एक्स की वैल्यू मतलब जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसे दिया है नैनोमीटर में। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं सबसे पहले मीटर में, पहला सवाल का पहला पॉइंट, ये क्रूशियल पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, 0.01 × 10⁻⁹ कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ऐसा हमने पढ़ रखा था। तो एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, वो आपको क्वेश्चन में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसमें 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दी है ना, इसको गुणा कर दिया। और अगर मैं बात करूं इसमें और भी आसान में इसको करने की कोशिश करूं, तो देखो ऐसा भी तो कर सकता हूं कि यहां से दशमलव हटाऊं और नीचे दो जीरो बना लूं, और इन दो जीरो को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो इतना मैथमेटिक्स तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ थी, ये भी ऊपर जाकर माइनस की 2 हो जाएंगी और आपका पास आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻¹ मीटर। तो आप यहां पे चाहे तो छोड़ सकते हैं, यहां पर ले जाकर जाना चाहे तो भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने दोनों के लिए लिख दिया है, कितनी वैल्यू आ गई, 1 × 10⁻¹⁹ है ना, −11 आ गई है यहां पर वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है।
ठीक बात है। तो इसके रिगार्डिंग हम यहां बात कर रहे थे, हमने इसकी वैल्यू यहां पर निकाल ली है। अब बोर्ड में स्पेस कम है सो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, चलिए कोई बात नहीं हम इधर भी लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू दे दी है उन्होंने, हमारे से पूछ कह रहा है, हमारे से पूछ रहा है कि जी वेलोसिटी बताओ, मतलब हमें वी की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में तो वी है ही नहीं, हमारे पास तो पी है, हमें एक फॉर्मूला पहले से पता है कि डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा वी, और मुझे निकालना क्या है, मुझे डेल्टा वी की वैल्यू ही तो निकालनी थी, तो मैं यही लिख लेता हूं क्वेश्चन मार्क करके, क्या निकालना है भाई, डेल्टा वी निकालना है, ये मुझे पहले से पता है। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया और हाइजेनबर्ग का न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई से। अगर मैं डेल्टा पी की जगह ये लिख दूं तो मेरे पास आ गया एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बोलो जी समझ आती है ना बात, मैंने कुछ नहीं किया है बच्चों, है ना, मैंने सिर्फ एप्लीकेशंस लगाई हैं, यहां पर डेल्टा पी की जगह एम इंटू डेल्टा वी, हमने संवेग का फॉर्मूला पढ़ रखा है, उस फॉर्मूले को मैंने डेल्टा पी की जगह पे लगा दिया और अब लिख दी इक्वेशन को, अब मुझे पता चल गया डेल्टा वी की मान मुझे निकालना है। अब और आगे बढ़ते हैं, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई, और ये जो गुणा में डेल्टा एक्स है ये नीचे चला गया, और ऐसे ही ये एम है ये भी नीचे चला गया, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया ये वाला, इससे हमें सॉल्व करना है। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, रखते चले जाओ, डेल्टा वी इज इक्वल टू, हाँ अब कह रहे एच, अब आपने कहा सर एच की तो वैल्यू दी नहीं क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, आपने याद किया था कर प्लांक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³⁴, याद किया था आपने एच की वैल्यू, मैंने कल भी बताया था आपसे जब हम एटम के द्वितीय प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ एटम की बात कर रहे थे, परमाणु की बात कर रहे थे, कि वहां पर एच की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, तो मैंने यहीं पर याद करी हुई वैल्यू लिख दी 6.6 × 10⁻³, ये एच की वैल्यू है, पहले से पता था हमें, इसे प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं 4 पाई, 4 की वैल्यू मेरे पास है, पाई की वैल्यू मुझे पता है, मैथमेटिक्स आप तो इंजीनियर्स हैं सभी जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है, ठीक है। और बात करते हैं इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है भाई, ये निकाल के लाए थे हम, ये रहा जी 1 × 10⁻11 है, तो मैं एक नहीं भी लिखूं तो चलेगा, और अब मेरे पास बचा m, m का मतलब मास, किलोग्राम में मास बताना है आपको, क्योंकि MKS को फॉलो अप करना है हमें, MKS को समझाना है, तो अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं ये m कहां से आएगा, तो मुझे सबसे पहले देखना था ये, दैट इज इलेक्ट्रॉन, कि यहां इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का भार हमने पहले ही याद कर लिया था, इसीलिए मैं आपको इनसे पहले वाले जो क्लास थी उनमें इन सब की वैल्यू पहले से याद करा के आया हूं। तो जो बच्चे पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पुरानी वाली वीडियो भी जरूर देख लें, ताकि उनको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो आपको पहले से याद है, 9.1 होता है, आपने पढ़ा था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू और लिख लीजिए, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 9.1 × 10⁻³, तो यहां हमने इन दोनों की सारों की वैल्यू लिख ली है, और अब हमें इसको अप्लाई करना है, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए कौन कौन सी बातें आपको पहले से पता थी, इसे मैं अगर यही लिख दूं तो हम जानते हैं H बराबर 6 × 6 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। ये दो वैल्यू मैंने अपने आप लिखी हैं, और हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू आपको दी हैं, ये वैल्यू आपको याद कर लेनी थी, पहले से याद है बच्चों को ज्यादातर को, ठीक बात है। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए बस, और बिल्कुल आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा,
देखिए आगे बढ़ते हैं इस पे, तो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, नीचे की तरफ 4 गुणा 22 और 7 पहुंच गया ऊपर की तरफ इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 31। अब ऐसा कर लेते हैं, पावर पावर पहले ऊपर ले जाते हैं, इतना तो मैथमेटिक्स आप जानते होंगे आई थिंक सो। इसको मिटा देता हूं, ये बात याद करने की थी। तो आपके पास आ गया 6.6 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 9.1 और इधर हो गया 10 की घात माइनस 34, इधर से ये ऊपर चला गया प्लस के 11 और प्लस के 31, है ना। और अब जब आप इसकी सॉल्व करेंगे तो आप इसको मैथमेटिकली टूल से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, आपका आंसर आ जाएगा 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी और इसे क्या क्या कह रहे हैं, मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि वेलोसिटी है, वेग है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। आप ऐसे मत बोलिएगा कि सर आपने ऐसे कैसे निकाल दिया इतनी जल्दी, आप गुणा भाग करेंगे तो यही आंसर आएगा। अगर आपका आंसर कुछ वैरी कर रहा है तो आप मेरे को बताइएगा, फिर मैं करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो यहां पे कैलकुलेशन कर दूंगा आपके लिए कि साथ की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इन सब की गुणा कर दूंगा, इससे इसे भाग कर दूंगा, आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूम कर जाएगा आपका, तो आप अपने आप कर लीजिएगा। सभी बच्चे इतने तो एबल हैं ही, इंजीनियर्स हैं सभी बच्चे, कि वो कम से कम एटलीस्ट इनको गुणा तो कर ही सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो बहुत इजी सा फंक्शन था, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। तो यहां हमने एक क्वेश्चन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नाम बताया, तो उससे हमने दो तीन चीजों को कवर किया। इन्होंने सिर्फ डेल्टा एक्स की वैल्यू दी थी और आपसे डेल्टा वी की वैल्यू पूछ बैठा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्व करना था, यहां हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, जल्दी से जल्दी टाइम बचा के चलना है भाई, है ना, अच्छा भारी क्वेश्चन था ये, तो इसको समझ लीजिएगा सभी बच्चे, और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो टेंशन नहीं लेना है, अंकित सर आपके साथ अवेलेबल है, जेई परिवार आपके साथ अवेलेबल है। एक दो न्यूमेरिकल डी बोगली वेवलेंथ का कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि किसी तरंग की कण के लिए, क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, किसी कण के जी किसी कण के तरंग देधर्य जी किसी कण के तरंग देधर्य की बात कर रहा है वो, और कौन सा तरंग देधर्य है, डी ब्रोगली वाला, डी ब्रोगली का जो तरंग देधर्य है ना, उसके लिए बोल रहा है ब्रोगली जी, डी ब्रोगली का जो तरंग देधर्य है उसके लिए रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, कितना है 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। तो इन्होंने कहा कि किसी कण के तरंग देधर्य के लिए इन्होंने वैल्यू दे रखी है 10 की घात माइनस 10 मीटर, और जब मीटर में दे दी तो मुझे कोई चेंज नहीं करना। फिर उन्होंने कहा कण का संवेग बताइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कण का संवेग ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें बहुत आसान सा सवाल, इन्होंने तरंग देधर्य का मान दिया है, मतलब डेल्टा की वैल्यू दे दी 10 टू दी पावर 10 मीटर, आपको बताना क्या है, पी की वैल्यू बतानी है, P का मतलब संवेग। मैंने कहा क्वेश्चन को तोड़ दीजिए आप, है ना, तो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और आप बच्चे पूछे कि ये सर कहां से आया, कल डी बोगली की वेवलेंथ की इक्वेशन कराई थी, उसमें सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड कहा था, आपसे याद करके आइएगा। जो बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं वो समझ गए होंगे बच्चे, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, वो मैंने आपको सिखाया था। तो डेल्टा ई की वैल्यू अगर हम बात करें तो एच अपॉन पी के बराबर होती है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, एच की वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी, इसकी वैल्यू हमेशा इतनी रहनी है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन पी, पी की वैल्यू निकालनी है आपको
डेल्टा की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 10 दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, पी की वैल्यू आ गई आपके सामने 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 10। ध्यान दीजिएगा, इससे इसको काट दिया, आपके पास आ गया 6 इंटू 6 10 टू दी पावर माइनस 10, ये ऊपर जाकर प्लस की 10 हो गई, आंसर आ गया 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। बोलो जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जी, ये तरंगदैर्ध्य के लिए 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24, मतलब माइनस 24 यहां पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, करा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा वैल्यू थी, है ना। दोबारा देख लो एक बार, डेल्टा की वैल्यू यहां रख दी, एच की वैल्यू यहां रख दी, पी की वैल्यू यहां रख दी, पी की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर ली, तो पी की वैल्यू हमें निकालनी थी, इसकी वैल्यू के नीचे इसकी वैल्यू रख दी और भाग करके निकाली आंसर, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। तो ये इस तरीके के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से आप लोग इसको अप्लाई कर लीजिएगा। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, यहां एनर्जी पे बात करिएगा और क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल 3 नंबर में आता है जनरली और गलत नहीं होना चाहिए। अब आपसे ध्यान दीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, हम हैं आपके साथ, है ना, तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप जल्दी से फटाफट से देखिए। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, बहुत अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है आपसे, तो जब घुमा के पूछेगा तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपके जरूर आपसे डिस्कस कर लूं। इन्होंने कहा कि एक कोई द्रव्यमान है, उसकी वैल्यू दे रखी है, और द्रव्यमान की वैल्यू दे रखी है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 किलोग्राम, है ना, 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम द्रव्यमान इसमें एनर्जी भी दे दी उसने आपको 5.01 इंटू 10 टू दी पावर, मुझे देखना पड़ेगा वैल्यूज ताकि आपके लिए आसान कर सकूं मैं, जूल गति ऊर्जा वाले गतिज ऊर्जा वाले गतिशील प्रोटॉन गतिशील प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो या कीजिए। अब देखो फिर क्वेश्चन को तोड़ना है, इन्होंने यहां पर आपको एक तो द्रव्यमान दे दिया और एक गतिज ऊर्जा दे दी, दो चीज इन्होंने यहां पे क्वेश्चन में दी हैं, और आपसे पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान निकाल के लाइए। तो देखो अब यहां पर क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो इन्होंने आपको मास मतलब वेट दे दिया 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, और क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने गति ऊर्जा दे दी, तो यहां गति ऊर्जा को हम के से दिखाते हैं, के इज इक्वल टू, इन्होंने वैल्यू दे दी है आपको 5.01 गुणा 10 की घात 27। तो दो वैल्यू यहां पे आपको मिली हुई है पहले से ही, आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लैम्डा का मान निकालिए, है ना, लैम्डा का मान आपको यहां पे निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है। हम जानते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे, इससे पहला वाला क्वेश्चन भी तो पढ़ा था, कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, जी लैम्डा इज इक्वल टू, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, रिमाइंड करो, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन पी पढ़ा था, और पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो यहां पर वी और एम का फॉर्मूला यहां पर आ गया, तो एच लैम्डा निकालने के लिए मुझे एच चाहिए, एम चाहिए और वी चाहिए। अब एम तो है लेकिन वी नहीं है, तो वी मैं यहां से निकाल लेता हूं फॉर्मूले से, मेरे पास पहले से फॉर्मूला है गति ऊर्जा का, के इज इक्वल टू 1/2 mv square, K की वैल्यू मुझे दी है क्वेश्चन में 5.01 इंटू 10 टू दी पावर 27,
इसकी वैल्यू को हमने यहां पे पुट कर लिया, एक बटे दो गुना एम, एम की वैल्यू भी दी है तो यही लिख लेते हैं, 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 गुणा v की बात करें वेलोसिटी निकालनी है मुझे, ईजी v स्क्वायर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूं तो ये ऊपर चला जाएगा, पहले इसे इधर ही लिख लेते हैं एक साइड में ताकि आपके लिए आसान हो जाए, तो 5.01 गुणा 10 की घात 27 और ये दो ऊपर चला गया गुणा में इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 इंटू 2 वी स्क्वायर। अब अगर हम जाएं तो इसको इधर ले जाते हैं, वी स्क्वायर बराबर 5.01 10 टू दी पावर 27 गुणा 2 बटे 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। वी स्क्वायर का मान आपके सामने निकल के आ गया, ठीक है, कि 5.01 गुणा 10 की घात 27 इंटू 2 और 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 इंटू 2। देखिए कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है जी? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है ये, इन्होंने इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसकी वैल्यूज में थोड़ा सा एक मिस्टेक कर गए बच्चे हम जी, ये इसकी वैल्यू माइनस में है, है ना, क्वेश्चन में ही माइनस लिखना भूल गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पर माइनस ऐड कर लेंगे बस, है ना, आइसे भी जाएगा आंसर, बस आंसर में फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए, ये आपका हो गया माइनस। अब ये वैल्यूज ऊपर जाएगी तो इसका मतलब इससे तो ये कट जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो इससे तो ये कट गया, आपके पास आंसर आ गया 5.01 गुणा 2 अपॉन 1.66, ये आपके पास वैल्यू आ गई। और अब आपको क्या करना है, इसको गुणा भाग कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 6.024, है ना, इसकी वैल्यू है ये, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया, 6.024। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, वी की वैल्यू चाहिए, लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास है, तो वी बराबर हम इसका रूट कर लेंगे 6.024, ठीक है। और जब हम इसका रूट करेंगे बच्चे तो क्या होगा कि इसका रूट निकालने के बाद लगभग आ जाएगा 3×2 समथिंग आना चाहिए, 2.4 के अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको मान लिया है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, और h का मान हमें पता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, m की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 इंटू v की वैल्यू हमने निकाल ली है 2.4, सबको कल मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकाल लेंगे। तो बड़ा आसान तरीके से हो गया, करना क्या था इसमें, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा था इस क्वेश्चन में वो ये कि उसने गतिज ऊर्जा दे दी आपको, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था तरंग निर्धारित, तो सबसे पहले मैंने गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला लिखा, ये वाला फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का है, ऐसा जलुज आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, भौतिक विज्ञान के अंदर गतिज ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला है k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने इससे सबसे पहले v स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लिया और फिर v स्क्वायर की वैल्यू से रूट निकालकर v की वैल्यू निकाल दी और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी में यहां पर मैंने v की वैल्यू रख दी और कैलकुलेशन कर लिया आपके सामने, और इससे आपका आंसर निकल के आ गया लगभग 16.26 के करीब आएगा, है ना। तो मैं आंसर आपको लिख के देता हूं 16.26 गुणा 10 की घात माइनस 3, है ना, इसके करीब आंसर आ रहा है, तो आप इसकी गुणा भाग कीजिएगा, है ना। और अगर आपका आंसर वेरी करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके दीजिएगा, फिर मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दूंगा, क्योंकि बच्चे आपका टाइम बड़ा पेरिशियस है, है ना, टाइम की बड़ी कीमत है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन को मिस कर देता हूं कि ये तो गुणा भाग वाली बात है, इसको तो आप लोग कर लेंगे, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो डरने की बात नहीं है कुछ भी, आप बिल्कुल बी फ्रेंकली बताइए मेरे को कि सर ये वाली गुणा नहीं हो रही मेरे से, आप इसे करके दिखाओ, तो मैं आपको उसको भी करके दिखा दूंगा,
ठीक है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि सर कर दीजिए गुणा, तो मैं उसको गुणा कर दिया करूंगा। ठीक है, यहां ज्यादा से ज्यादा आपके न्यूमेरिकल हो जाएं, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि गुणा भाग वाली बात को छोड़ दिया है कि गुणा कर लेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से करके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा, है ना। लेकिन एग्जाम पेपर में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, तो मेरी आपसे सलाह यही है कि आप कोशिश ये करें कि आप कैलकुलेटर के ऊपर बेस ना रहें। आप क्या करें, आप सबसे पहले ये फोकस करें कि गुणा भाग में कौन सी किसको काट रही है, आंसर निकल के आ जाएगा, बड़ा इजी है, कोई ऐसा इसमें इतना भारी सोचने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो यहां हमने अब इस क्वेश्चन में क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है उसके फॉर्मूले को लगाकर सबसे पहले वेलोसिटी या वेग को निकाल लिया था, वी को, और फिर हमने फॉर्मूला लगाया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, है ना, ये हमने फॉर्मूला लगाया था और उससे हमने तरंग देधर्य निकाल ली थी। ठीक है, तो यहां हम अगर आपसे बात करें तो मैंने आज आपको सिखाया है कुछ और चीजें। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, उसका फॉर्मूला मैं एक बार और दोबारा लिख दूं आपके लिए। देखिए, मैंने आपको सिखाया है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, न्यूमेरिकल के केस में, और वैसे ये बराबर भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक बात है, मैंने आपको सिखाया कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एच अपॉन फोर पाई के। इसके अलावा मैंने ये बात पहले सिखा दी है इससे पहले लेक्चर में कि ई जो है, मतलब जो ऊर्जा है, वो एच और म्यू के बराबर होती है। एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ई इज इक्वल टू एच म्यू, ऐसा हमने प्लांक वाली इक्वेशन से सोचा था, उससे पता लगाया था, और एक आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये फॉर्मूला आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हमने यहां पढ़े हैं, और इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर इससे पहली क्लास में मैंने दो तीन फॉर्मूले और निकाले थे, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और सी का मतलब यहां पर वेलोसिटी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, आज इससे एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाया है। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, मैं जानता हूं कि P बराबर mv होता है, संवेग जो है वो m इंटू वी के बराबर होता है, तो मैंने यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एक फॉर्मूला ये भी याद कराया है। तो ये इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें परमाणु संरचना वाले चैप्टर में, और ये जो मॉडल से रिलेटेड है, तो ये पांच फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, छह फॉर्मूले सॉरी, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है, तो ये छह फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। देखिए कौन कौन से, पहला फॉर्मूला डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स बराबर होता है एच अपॉन फोर पाई के, दूसरा फॉर्मूला के ई इज इक्वल टू एच म्यू, ई की जो वैल्यू है वो एच और म्यू के बराबर होती है, और अगर हम बात करें तीसरे फॉर्मूले की तो आइंस्टीन इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फोर्थ की बात करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और एम इंटू सी के मतलब अगर हम बात करें यहां पर, सी का मतलब है वेलोसिटी से, सी का मतलब है वेग से, तो वेग की अगर मैं बात करूं तो मैंने सी की जगह पर कुछ नहीं गिरा, वी लिख दिया, और इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में लिख दिया, ये पांचवा फॉर्मूला हो गया। और छठे फॉर्मूले की बात करूं तो हम जानते हैं कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग को बोलते हैं, तो ये द्रव्यमान और वेग ही तो गुणा हो रहा है, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया पी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हो गया आपके सामने। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे कि यहां हमने छह न्यूमेरिकल को छह फॉर्मूले करे हैं हमने तैयार, जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चे जो अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया कर इन सभी फॉर्मूले को जरूर तैयार कर ले, इनको याद कर लीजिए आप, है ना, याद करो, ये आपका होमवर्क है। एक तरीके से ऐसे मान लो कि सर ने आपको होमवर्क दे दिया कि ये जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि
ये अगर आपको तैयार नहीं है तो फिर आप इस तरीके के नुमारिकल करने में दिक्कत करेंगे या नहीं कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से पढ़कर एक नंबर का भी कम कर पाए। मैं चाहता हूं कि आप पूरे 100 out of 100 मार्क्स लेके आए, जितने नंबर का भी आपका पेपर होना है उतने नंबर के ही आप उसको कंप्लीट करके आए। ठीक बात है। तो ये आज हमने सीखा है, हाइजीन बर का प्रिंसिपल सीखा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किया, और जो कल इक्वेशन सीखी थी डी ब्रोगली की इक्वेशन जो सीखी थी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने यहां पर किए हैं। एक बात और मैं दोबारा आप बच्चों से बताना चाहता हूं कि जो और स्टेट के बच्चे हैं, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो हम जो चैप्टर्स करते चले जा रहे हैं वो UPBT है ना, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, पॉलिटेक्निक के जो बच्चे अप्लाइड केमिस्ट्री में हैं उनके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कवर करते चले जा रहे हैं। तो जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट जो हैं, जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी और स्टेट के रहने वाले हैं और वहां के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, उनके जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम टॉपिक को कवर करते चले जा रहे हैं। मेरे पास सारा डाटा अवेलेबल है। तो जिस स्टेट के अंदर ऐसे टॉपिक जो UPBTE के सिलेबस में नहीं है उनके लिए स्टेट वाइज अलग से मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो सभी बच्चों का पूरा कवर होगा और जो टॉपिक कॉमन है वो आप साथ के साथ करते चले जाइए, क्योंकि फॉर्मूलाज चेंज नहीं होंगे, डेरिवेशन चेंज नहीं होगा, वो सब कुछ एक ही बने रहना है। आपसे मुझे क्या एस्पेक्ट है, आपसे मैं क्या उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक मेरे को मोटिवेट करते हैं, मुझे ऊर्जा से भर देते हैं ताकि मैं आपके साथ और मेहनत से काम कर सकूं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेशन है, मेरी कोई स्पेशल वीडियो आती है या हमारे चैनल पे कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तो वो आपको जरूर मिल जाए, कोई मिस ना हो जाए आपके साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहता है ना, तो पता चलता रहता है कि हाँ सर की क्लास चल रही है, सर ने नया वीडियो डाला है, तो आप उसको पर्टिकुलरली टाइम लगाकर देख लेते हैं। तो आपको दो काम करने हैं, पहला वीडियो को लाइक करना है और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को ताकि सारे अपडेशन मिलते रहे। किसी भी तरीके के PDF के लिए, किसी भी तरीके के डाउट्स के लिए, किसी भी तरीके के नोट्स के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा है, उस नंबर पर फोन कर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर आपको सारे PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आज की क्लास के रिगार्डिंग बच्चों, हम लोगों ने हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ा है और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल किए हैं। कल हम इससे आगे टॉपिक्स पे जाएंगे, कल हमें समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक करने हैं और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें और करने हैं। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक मैं अपनी पहली लेक्चर में पढ़ा के आ चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, पहले या दूसरे लेक्चर में, कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु भार किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, समस्थानिक संभारिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो कल के लेक्चर में और टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।